हेलो, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णो सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 वर्ष 2023-24 परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और विधियों के बारे में कुछ सूत्र वगैरह दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से देख लेना है ताकि सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको इस तरह से एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर टच करना है। फिर इसके बाद आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, नोटिफिकेशन में आपको आल के ऑप्शन पर टच करना है, वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपको यदि कक्षा 8 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के किसी भी विषय की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन पर भी सभी वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको कक्षा 8 के गणित की सभी अध्याय की वीडियो यहां पर उपलब्ध करा देंगे। यहां पर आपको विज्ञान की वीडियो उपलब्ध करा देंगे, यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान की वीडियो उपलब्ध करा देंगे, यहाँ पर आपको हिंदी की वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो जो भी वीडियो आपको देखना हो आप उस पर टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अब चलें इसके सवालों को देख लेते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन कर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अब इसके प्रश्न क्रमांक 1 को देख लेते हैं। संख्या 9,12,673 के घनमूल का इकाई अंक होगा, तो हमको इस संख्या के घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, अभी इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 3 है। अब इकाई का अंक हमको 3 दिया है, अब हमको क्या बताना है इसके घनमूल। तो घनमूल ज्ञात करना है कि घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी इकाई का अंक 3 है, तो हम 3 का क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 प्राप्त हो गया हमको। अब देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, 7 है, मतलब 9,12,673 संख्या के घनमूल का इकाई का अंक भी क्या होगा, 7 होगा। तो हमारा सी वाला उत्तर क्या होगा, सही होगा। अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, जो ये सही उत्तर है इसे हमको यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या काम करेंगे, सी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2, संख्या 4,356 के वर्गमूल का इकाई अंक होगा। तो देखिए इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा ये हमको बताना है। तो अभी देखिए इकाई का अंक 6 है, अब हमको इकाई का अंक 6 प्राप्त करने के लिए बताना है कि वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग करने पर हमको इकाई का अंक 6 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या क्या है, 4 है। यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो हमको 16 प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम 6 का वर्ग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 36। तो देखिए इनमें भी इकाई के अंक में क्या है, 6 है, मतलब जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 4 और 6 होगा। तो देखिए 4 और 6 हमको किस विकल्प में दिया हुआ है, ए वाले विकल्प में दिया है, इसलिए हमारा ए वाला विकल्प सही होगा। अब यहाँ पर हमको सही उत्तर को लिख लेना है, 4 या फिर 6। फिर इसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पर ए वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 3, संख्या 7,403 का बीजांक होगा। तो देखिए इस संख्या का हमको क्या ज्ञात करना है, बीजांक। और बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं, हम इन सभी अंकों को जोड़ देंगे तो हमको बीजांक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए
तीन में शून्य जोड़ेंगे तो तीन आएगा, फिर तीन को चार में जोड़ेंगे तो सात आएगा, सात को सात में जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। अब देखिए बीजांक एक अंक का होता है, अभी इसमें दो अंक है तो हम फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे, तो चार में एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, पाँच। इसका मतलब क्या होगा कि 7403 का बीजांक क्या होगा, पाँच होगा, तो हमारा डी वाला उत्तर क्या होगा, सही होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर डी वाले उत्तर को लिख लेंगे, फिर इसके बाद क्या काम करना है हमको, डी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक चार, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु, तो यहाँ पर हम सी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। साथ ही हमको क्या करना है, सी तमिलनाडु यहाँ पर लिख लेना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक पाँच, सबसे छोटी रामानुजन संख्या क्या है, तो देखिए सबसे छोटी रामानुजन संख्या क्या है, बी 1729, तो हमारा बी वाला उत्तर सही होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी 1729। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, बी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रश्न क्रमांक छः, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको 85 का वर्ग ज्ञात करना है, और किस विधि से ज्ञात करना है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के विधि से ज्ञात करना है, तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमको 85 का वर्ग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 85 का वर्ग बराबर। अब देखिए 85 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, 85 का 85 के साथ गुणा करना होगा, तो इस प्रकार से गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब हमको किस विधि से ज्ञात करना है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा, तो देखिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि में क्या काम किया जाता है, जो हमारा दहाई का अंक है उसे हमको यहाँ पर लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या काम करना है, एकाधिकेन विधि में क्या काम किया जाता है, जो दहाई का अंक हो उसमें एक की वृद्धि कर देना है, मतलब एक जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद इसमें गुणा करना है। तो देखिए 8 में हम एक जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, जो ये दोनों इकाई के अंक हैं इन दोनों का हमको गुणा कर देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 5। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं, तो देखिए हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 85 गुणे 85। अब यहाँ पर देखिए 8 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 72 प्राप्त होगा। फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमको 85 का वर्ग कितना प्राप्त हो गया है, 72 और 25, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 72 25, तो 7225 क्या आ गया, 85 का वर्ग आ गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 7, सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम चा योजेत का प्रयोग कर 17 का वर्ग को एक पंक्ति में हल कीजिए। अब देखिए इस विधि से हमको क्या ज्ञात करना है, 17 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन ऋण विचलन, फिर इसके बाद धन ऋण विचलन की घात 2, तो ये क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, विचलन ज्ञात कर लेते हैं। अब विचलन किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो देखिए हमको आधार के रूप में कौन कौन सी संख्या हम ले सकते हैं, तो आधार के रूप में हम 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000, 10000, इस तरह से संख्याएं ले सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या 17 जो है हम 10 ले सकते हैं या फिर 100 ले सकते हैं आधार। अब देखिए 17 जो है किसके करीब होगा, 10 के करीब कि 100 के करीब होगा, क्योंकि 17 हमारा 10 के करीब है, और जब 10 के करीब है
तो विचलन हम 10 आधार लेकर के निकालेंगे। अब देखिए विचलन निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम 17 जो हमारी संख्या है उसमें से आधार संख्या को घटा देंगे। तो 17 में से जब आप 10 को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7। तो इस तरह से हमको विचलन 7 प्राप्त हो गया। अब इसको यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो देखिए जिसका हमको वर्ग निकालना है वो संख्या 17 है और संख्या हमको कितना दिया है, 17 दिया है, तो यहाँ 17 रख लेंगे। धन विचलन हमको धन में प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए धन ऋण विचलन की घात 2, तो विचलन हमको 7 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 की घात 2। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए 17 में 7 को हम जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद 7 का वर्ग मतलब 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 × 7 = 49, तो ये हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए हमको क्या काम करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक की संख्या है, उस स्थिति में जो ये 4 होगा वो इधर आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए 24 में जब 4 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 9। तो हमारा 289 हमको 17 का वर्ग प्राप्त हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 8, सूत्र 1 ·√ पूर्वेण के प्रयोग से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 ·√ पूर्वेण विधि से हमको 99 का वर्ग ज्ञात करना है। अब ये किस तरह से निकाला जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 99 का वर्ग निकालने के लिए। अब देखिए 99 का वर्ग का मतलब क्या होता है, हम 99 का 99 के साथ गुणा करेंगे तो हमको वर्ग प्राप्त होगा। अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, क्योंकि विधि का नाम क्या है, 1 ·√ पूर्वेण, मतलब 1 ·√ का मतलब 1 कम करके लिखना है। तो देखिए 99 में से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 99√1, इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, हटाने पर जितनी भी संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को 99 से घटा देना है। तो देखिए 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 98। तो हम 98 को इस संख्या से घटा देंगे, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 कम करके 99 को घटाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 99 में से 1 कम करके घटाना है, तो 1 कम करने पर 98 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम 98 लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 99√99। अब देखिए 99 में से 1 कम करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 98 प्राप्त होगा। फिर 99 में से 98 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि इस संख्या में इकाई दहाई 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक होना चाहिए, पर 1 ही अंक प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 ·0 रख लेंगे। तो इस तरह से हमको 99 का वर्ग कितना प्राप्त हो जाएगा, 98 और 01। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 98 ·0 = 1। तो इस तरह से हमको 99 का वर्ग कितना प्राप्त हो गया, 9801। ये आ गया हमारा उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 9, 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको द्वंद्व योग विधि से 41 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, समूह बना लेंगे संख्याओं का। अब देखिए समूह किस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे हमारी संख्या 41 है तो पहले हम शुरू के अंक को लिख लेंगे, ये क्या है, 4 है। फिर इसके बाद दोनों को लिख लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, 4 = 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अंत के अंक को लिख लेंगे, ये कितना है, 1 है। तो इस तरह से हमको समूह प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 41 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे 41 का वर्ग बराबर,
अब हमको इन संख्याओं का द्वंद योग ज्ञात करना है। अब द्वंद योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए एक अंक की संख्या का यदि आपको द्वंद योग ज्ञात करना है तो उसका वर्ग कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग। फिर इसके बाद दो अंक की संख्या का जब हम द्वंद योग ज्ञात करते हैं तो क्या किया जाता है, इसमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करके इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से 2 का गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का गुणा करके। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, फिर से एक अंक का द्वंद योग ज्ञात करना है, तो एक अंक का कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग कर देंगे। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं, 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया। फिर इसके बाद इसका गुणा कर लेते हैं, 2 चौके 8 और 8 एकम 8, तो यहाँ पर हमको 8 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 एकम 1, तो इस तरह से हमको उत्तर कितना प्राप्त हो गया, 16, और यहाँ से 8 और यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 1, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 41 का वर्ग 1681। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 10, 289 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए, क्रियाविधि भी लिखिए। तो देखिए हमको क्या करना है, 289 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 289। फिर इसके बाद अगला काम हमको क्या करना है, दो दो पदों का जोड़ा बनाना है। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम आगे शून्य लगा करके इसका भी जोड़ा बना लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, इसमें हमको इकाई का अंक निर्धारित करना है। तो अभी संख्या के इकाई का अंक क्या है, 9 है। अब हमको ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग ले हम तो हमको 9 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ऐसी संख्या कौन सी होंगी, 3, 3 का वर्ग हम लेंगे तो 3 त्रिकाई 9 प्राप्त हो जाएगा, और 7 का वर्ग लेंगे तो हमको 7 सते 49, इसके भी इकाई में 9 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 या फिर 7। तो इस तरह से हम संख्या के इकाई के अंक का निर्धारण कर लिए हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस संख्या के दहाई का अंक का निर्धारण करना है। तो देखिए 2, अब किसके वर्ग में 2 आएगा हमको ये देखना है। तो देखिए 1 का वर्ग आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1, 2 का वर्ग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 4, लेकिन जो 4 है ये क्या है, 2 से बड़ा है, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते हैं, इससे छोटा लेना पड़ेगा। तो इससे छोटा क्या है, 1, और 1 किसके वर्ग में आ रहा है, 1 के वर्ग में, तो यहाँ पर हम दहाई का अंक क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है 2 संख्या नहीं हो सकती है, इसमें से 1 सही होगा और 1 क्या होगा, गलत होगा, तो हमको क्या करना होगा, इसका जांच करना होगा। अब इसका जांच हम किस प्रकार से करेंगे ये देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे और इन दोनों संख्याओं के वर्ग का बीजांक निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, 289 का बीजांक ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए 289 का बीजांक हम कैसे निकालेंगे, तो किसी भी संख्या का यदि बीजांक निकालना है तो इन सभी संख्या के अंकों को जोड़ देना है। तो देखिए 2 धन 8 धन 9, अब इनको जोड़ेंगे तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो गया, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए जो भी बीजांक प्राप्त हो उसमें 2 अंक नहीं होना चाहिए, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो फिर से हमको क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1, तो इस तरह से 289 का बीजांक हमको 1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो ये संख्या उत्तर की हमको प्राप्त हुई है इनका हम वर्ग का बीजांक ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहला काम हम 13 के वर्ग का बीजांक निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम 13 का बीजांक और इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए 13 का बीजांक ज्ञात करने के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे तो 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 4,
फिर वर्ग है तो वर्ग करेंगे, फिर चार का गुणा दो बार करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, चार चौको 16, फिर 16 को जोड़ देंगे क्योंकि बीजांक में एक अंक होना चाहिए, तो 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7। इसी प्रकार से हमको जो उत्तर का अगला संख्या है हमारी क्या है, 17, तो 17 का बीजांक का वर्ग निकाल लेते हैं। अब देखिए 17 का बीजांक का वर्ग कितना प्राप्त होगा हमको, यहाँ पर हम निकालते हैं तो 7 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और इसका वर्ग कर देंगे, फिर 8 का गुणा दो बार करेंगे तो 8 8 64, ये हो गया। फिर इसके बाद चूंकि इसमें दो अंक हैं तो हम फिर से इनको जोड़ देंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। फिर इसके बाद देखिए 1 0 इसमें दो अंक हैं तो फिर से जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि प्रश्न के बीजांक में हमको 1 प्राप्त हुआ और उत्तर के बीजांक में 1 में 7 प्राप्त हुआ, 1 में 1 प्राप्त हुआ। तो जिसमें समान बीजांक प्राप्त होंगे वो उत्तर हमारा सही है। तो देखिए प्रश्न के बीजांक में इसमें भी 1 है और उत्तर के बीजांक में इसमें भी 1 है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 17। तो इस तरह से हमको 289 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर हम लिख लेंगे तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, 17 होगा, और ये क्या है, हमारा उत्तर है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 11, 23 का घन सूत्र a धन b पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3 a की घात 2 b धन 3 a b की घात 2 धन b की घात 3 की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको 23 का घन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर a बराबर 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद b का मान कितना हो जाएगा, 3, तो हम b बराबर 3 लिख लेंगे। अब देखिए इस सूत्र को हम हल करने के लिए कुछ दूसरे तरीके से लिखेंगे, सूत्र यही रहेगा पर हम इसको लिखने का जो तरीका है वो दूसरे तरह से लिखेंगे। जैसे ये a धन b लिखा है तो हम इसे लिखेंगे a आबलिक b और ये पूरे की घात 3, फिर इसके बाद a की घात 3 और आबलिक लगा के लिखेंगे 3 a की घात 2 b, फिर आबलिक लगा देंगे, फिर इसको लिख लेंगे 3 a b की घात 2, फिर इसके बाद इसको लिख लेंगे b की घात 3। अब हमको क्या काम करना है, यहाँ मान को रखना है। तो देखिए a का मान कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 की घात 3, फिर इसके बाद 3 a के स्थान पर 2 रखना है, b के स्थान पर 3 रखना है, फिर 3 a के स्थान पर 2 रखना है और b के स्थान पर 3 रखना है, फिर इसके बाद यहाँ पर b के स्थान पर हमको 3 रखना है, घात 3 है तो घात 3। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 की घात 3 है, मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 का गुणा 2 बार तो 2 2 4, फिर 4 का गुणा 3 में तो 4 3 12 है, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 36, तो यहाँ पर हमको 36 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 3 9, 9 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 2 18, 18 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 54। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, ये प्राप्त होगा। अब देखिए जो हमारा उत्तर हमको प्राप्त होगा उसमें ये जो अंक हैं, ये संख्याएं हैं, इसमें इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई है, यहाँ पर सिर्फ इकाई इकाई होना चाहिए। उसके लिए अब हम क्या काम करेंगे, जैसे ये 27 है तो इसका जो दहाई वाली संख्या है वो यहाँ आकर के जुड़ जाएगी। तो देखिए 54 में जब हम 2 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसे हम पीछे तरफ से लिखेंगे, पहले हम 7 को लिख लेते हैं, अब इसका 2 यहाँ आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 56। तो 56 इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें भी 2 अंक हैं तो हम इधर 6 को लिखेंगे
और जो हमारा ये 5 बच गया है वो क्या होगा, आगे वाली संख्या में जाके जुड़ेगा। तो देखिए 36 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। अब इसमें फिर से 2 अंक हैं तो इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो ये 4 है वो क्या होगा, आगे वाली संख्या में जाके जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अब एक एक अंक है तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसे लिख लेंगे तो 12 मिला हमको, 1 मिला, 6 मिला और 7 मिला, तो इस तरह से हमको 12,167 क्या प्राप्त हो गया उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 12 है, 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। एक प्रश्न हम वर्ग ज्ञात करने का देख चुके हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें समूह बना लेंगे। अब देखिए समूह क्या बनेगा, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, शुरू का अंक लेना है तो ये 8 हो गया। फिर इसके बाद हमको शुरू से 2 अंक लेने हैं तो ये कितना हो जाएगा, 84। फिर इसके बाद हमको तीनों अंक ले लेना है तो ये हो जाएगा 8, 4, 5। अब इसके बाद क्या करना है, हमको पीछे के 2 अंक लेना है तो ये क्या हो जाएगा, 45। फिर इसके बाद हमको अंतिम का अंक लेना है तो इस प्रकार से हम समूह बना लेंगे। अब देखिए हमको 845 का वर्ग ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 845। अब इसके बाद इसका वर्ग ज्ञात करना है तो इन सभी संख्याओं का हम क्या ज्ञात करेंगे, द्वंद्व योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक अंक का द्वंद्व योग कैसे ज्ञात करते हैं, इस संख्या का वर्ग कर देंगे। फिर इसके बाद 84, इसमें 2 अंक हैं और 2 अंकों का द्वंद्व योग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसमें हम 2 का गुणा करते हैं और इन दोनों अंकों का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8×4। फिर इसके बाद देखिए 3 अंकों की संख्या का हम द्वंद्व योग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पहले हम 2 का गुणा करते हैं और शुरू की और अंतिम के अंक का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8×5। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो बीच वाला अंक होगा उसको वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4×2। फिर इसके बाद देखिए इसमें 2 अंक हैं तो 2 अंकों का द्वंद्व योग कैसे ज्ञात करते हैं, 2 का गुणा करते हैं और इन दोनों अंकों का गुणा कर देंगे तो 4×5 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 बचा, एक अंक का द्वंद्व योग कैसे ज्ञात करते हैं, उसी संख्या का वर्ग कर देते हैं तो ये 5×2 हो जाएगा। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं तो देखिए जब हम 8 का गुणा 2 बार करेंगे तो हमको 64 प्राप्त होगा। फिर इसे हल कर लेते हैं तो देखिए 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8×2=16, 16 का गुणा 4 में करेंगे तो हमको फिर से 64 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, पहले 8×5=40, 40 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 80 प्राप्त होगा। फिर धन 4 का वर्ग, तो 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4×4=16 प्राप्त होगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 0 में 6 जुड़ेगा तो 6, 8 में 1 जुड़ेगा तो 9, तो इस तरह से हमको कितना प्राप्त हो गया, 96। तो यहाँ पर हम 96 लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए इसको हल कर लेते हैं तो देखिए 5×20, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20×2 कितना हो जाएगा, 40 हो गया। फिर इसके बाद इसको देख लेते हैं, 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5×25। अब इसके बाद इसको हमको और आगे हल करना है तो देखिए यहाँ पर जो भी ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं इन सभी में 2-2 अंक हैं, इसे हमको एक एक अंक के रूप में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से ध्यान से देखिएगा। ये 2 जो है ये आगे वाले इस संख्या में आकर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 5 बचेगा। जब 2 इसमें जुड़ेगा तो ये 40 क्या बन जाएगा, 42। तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे और जो ये 4 है ये क्या होगा, फिर से आगे वाली संख्या में आकर के जुड़ेगा। तो देखिए जब 96 में हम 4 को जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। तो 100 में जो सबसे लास्ट वाला अंक है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे
अब जो ये 10 बचा है, ये 10 क्या होगा, इसके आगे वाली संख्या में जाकर जुड़ेगा। तो ये 64 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 74। अब 74 में 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो ये 7 है ये फिर से आगे वाली संख्या में जाकर के जुड़ेगा। तो देखिए 64 में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, तो 7 4 11 का 1 1 हासिल है, तो कितना हो जाएगा, 71। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 71 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, इसके उत्तर को लिख लेना है। अब देखिए उत्तर किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो जो ये संख्या प्राप्त हुई है इसमें आवलिक वाले चिन्ह को छोड़ देना है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 71 4 0 2 5। तो हमको उत्तर कितना प्राप्त हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 7,14,025। तो ये आ गया हमारा उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 13 है। विलोकनम विधि से 2,197 का घनमूल ज्ञात कीजिए, क्रिया विधि लिखिए। तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, 2,197 इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। अब देखिए जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम तीन तीन पद का जोड़ा बनाते हैं, तो ये जोड़ा बन गया, दो का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसमें हम क्या करते हैं, आगे शून्य रख लेते हैं। तो इस तरह से तीन तीन पदों का जोड़ा बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमको यह देखना है कि जो अंत में अंक है, इकाई का अंक हमारा, वह इकाई का अंक ऐसी किस संख्या का हम तीन बार गुणा करें तो हमको 7 प्राप्त हो। तो उसके लिए देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम तीन बार गुणा करेंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा, ऐसी संख्या 3 है। 3 का गुणा हम तीन बार करेंगे तो 3 3 9 9 3 27। तो इस तरह से हमको इकाई में 7 प्राप्त हो जाएगा, मतलब जो भी इस संख्या का घनमूल होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। फिर इसके बाद देखिए इकाई का अंक का निर्धारण कर लेने के बाद अब हमको क्या करना है, दहाई के अंक का निर्धारण करना है। तो दहाई में कौन सी संख्या है, 2 है। अब देखिए 2 हमको प्राप्त करने के लिए या फिर 2 से कम प्राप्त करने के लिए दहाई का अंक क्या काम करना होगा, तो देखिए हम 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमको 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 प्राप्त होगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए यदि हम 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 प्राप्त हो गया, मतलब यहाँ पर जो है ये 8 जो प्राप्त हुआ है यह क्या है, 2 से बड़ा है, 2 से अधिक है, तो हम इसको नहीं ले सकते। इसका मतलब जो हमारा दहाई का अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमको इसका घनमूल कितना प्राप्त हो गया, 13 प्राप्त हो गया। आप चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, या तो 13 का 13 में 3 बार गुणा कर लीजिए तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा था क्रिया विधि लिखिए, तो जो भी हम ये काम किए हैं इसको हम क्रिया विधि में लिख सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। पहला, इकाई का अंक 7 है इसलिए घनमूल के इकाई का अंक 3 होगा। दूसरा, 2 के निकटतम घनमूल 1 1 घात 3 बराबर 1 और 2 की घात 3 बराबर 8 है, जिसमें 2 की घात 3 का मान 2 से अधिक है, इसलिए दहाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो जो भी हम काम किए हैं उसी को यहाँ पर लिख लिए हैं, यही क्या है, हमारी क्रियाविधि है। अब यहाँ पर आप चाहें तो उसी उत्तर को फिर से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको घनमूल में कर्णी घात 3 होती है, तो इस तरह से लिख लेंगे 2,197 का घनमूल हमको कितना प्राप्त हो गया, 13। तो ये क्या आ गया, हमारा उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 14 है। 3x2 + 5x - 3 का x2 + 3x - 1 से गुणा उधर्व तिर्यक द्वारा कीजिए। तो देखिए इसका हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, और किस विधि से ज्ञात करना है, उधर्व तिर्यक गुणन विधि से। तो देखिए इस सवाल में जो हमको ये सवाल दिया है इसमें हम पहले चक्र में पहली पहली संख्याओं को लेंगे, मतलब इन दोनों को हम लेंगे। तो
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरह से 3x^2, और इसको लिख लेंगे 3x^2 इस प्रकार से। अब इनका क्या होना है, आपस में गुणा होना है। फिर इसके बाद जब हम दूसरे चक्कर में आएंगे तो दूसरे चक्कर के लिए हमको क्या करना है, शुरू के दो संख्याओं को ले लेना है। अब देखिए इनको ले लेते हैं, कितना है 3x^2 धन 5x। अब इसके बाद सवाल के दूसरे पद के भी दो पद ले लेना है, ये कितना दिया है हमको 3x^2 धन 3x। फिर इसके बाद देखिए दो पद ले लेने के बाद अब हमको क्या करना है, तीनों पदों को ले लेना है। अब तीनों पदों को लिख लेते हैं, कितना दिया है 3x^2 धन 5x धन 3। फिर इसका भी तीनों पद ले लेंगे, कितना है 3x^2 धन 3x धन 1। फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, तीनों पद ले लेने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ से देखें तीन पद ले लेने के बाद अब हमको पीछे के दो दो पदों को लेना है। तो पीछे के दो पद कौन कौन से हैं, 5x + 3 है, और इसका पीछे का दो पद कौन सा है, 3x + 1 है। फिर इसके बाद देखिए पीछे के दो पद ले लेने के बाद अब हमको पीछे का लास्ट वाला पद लेना है, वो कितना दिया है हमको 3 है और 1 दिया है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लाइन खींच लेते हैं ताकि ये पद अलग अलग रहें, मिक्स ना हो। इस तरह से लिख लेने के बाद अब देखिए उधर्व तिर्यक विधि में गुणा किस प्रकार से होता है, तो इन दोनों का गुणा होगा, एक ही पद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनका गुणा किस तरह से होगा, ध्यान रखना है आपको, इसका गुणा आपको इसके साथ करना है और इसका गुणा आपको इसके साथ करना है। फिर जब तीन पद होंगे तो किस तरह से करेंगे आप, इसका गुणा आपको इसके साथ करना है, इसका गुणा आपको इसके साथ करना है, और इसका गुणा आपको इसके साथ करना है। जब दो पद होंगे तो इसका गुणा आपको इसके साथ करना है, इसका गुणा आपको इसके साथ करना है। जब एक पद होंगे तो इसका गुणा इसके साथ करना है। तो ये अभी हम सिर्फ लिखे हैं, अब हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। अब देखिए 3x^2 का गुणा हम 3x^2 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 3x^ देखिए जब गुणा होता है तो 3x^2 जुड़ जाती हैं, तो घात दो जुड़ के कितना हो जाएगा 4। फिर इसके बाद अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3 का गुणा 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3 * 9। फिर 3x^2 में करेंगे तो 2 * 1 जुड़ के हो जाएगा 3x^3। फिर इसके बाद इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो 5 है, यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 + 5 = 5 हो गया। अब 3x^2 में करेंगे तो 3x^3 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए इस 1 का गुणा इसके साथ होना है तो 3x^2 में करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा 3x^2। फिर इसके बाद देखिए अब इसका गुणा कर लेते हैं तो 5x^3 में होगा तो 5 * 3 = 15 हो गया। 3x^x में होगा तो 3x^2। फिर इसके बाद देखिए अब हम इसका गुणा कर लेते हैं तो 3x^2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x^2। फिर इसके बाद अब इसका गुणा करना है तो देखिए इसका गुणा 5x^1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर इसके बाद 3x^3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 * 9 = x ये हो गया। फिर इसके बाद 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 * 1 = 3। तो इस तरह से गुणा कर लेना है। ये लाइन इसलिए खींच रहे हैं ताकि ये पद अलग अलग दिखें, गलती ना हो किसी प्रकार से। फिर इसके बाद इसको और आगे हल कर लेते हैं, तो देखिए जो भी पद जुड़ घट रहे हों उसे हम जुड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पे कितना है 3x^4 है। अब देखिए यहाँ पे ये 9x^3 है, ये 5x^3 है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा 14x^3 हो जाएगा।
फिर इसके बाद इनको देख लेते हैं, सभी धन धन में हैं, जुड़ जाएंगे। तो देखिए तीन में 15 जुड़ेगा तो 18, 18 में हम तीन को जोड़ देंगे तो 21, तो ये हो जाएगा 21 एक्स की घात 2। फिर ये दोनों पद जुड़ेंगे तो देखिए 9 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14 एक्स हो गया, और यहाँ पे कितना है 3 है। तो इस तरह से इनको फिर से हम लाइन खींच के पदों में बांट देते हैं। अब देखिए ये क्या आ गया हमारा उत्तर, पर हम इसको इस प्रकार से उत्तर नहीं लिखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सवालों को लिख लेते हैं फिर इसके बाद उत्तर लिखते हैं। तो देखिए सवाल जो भी हमको दिया है इसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए सवाल का जो पहला पद है हमको क्या दिया था, यहाँ पे ये जो दिया है इसको लिख लेंगे पहले। ये दिया है हमको 3 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स धन 3, फिर इसका हम गुणा किए हैं। अब इसके बाद जो सवाल का दूसरा पद है इसे हम लिख लेते हैं। ये कितना दिया है हमको, एक्स की घात 2 धन 3 एक्स धन 1। फिर इसके बाद देखिए जब हम इनका गुणनफल ज्ञात किए तो गुणनफल ज्ञात करने के बाद हमको कितना प्राप्त हो गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर। तो ये उत्तर कितना प्राप्त हुआ हमको, 3 एक्स की घात 4 धन 14 एक्स की घात 3 धन, ये कितना प्राप्त हुआ 21 एक्स की घात 2। फिर ये कितना प्राप्त हुआ हमको, 14 एक्स। फिर ये कितना प्राप्त हुआ हमको, धन 3। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, गुणनफल, और ये क्या है हमारा उत्तर है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 15 है, 996 की घात 3 को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। तो देखिए इसको हमको क्या ज्ञात करना है, निखिलम विधि से 996 का हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए जो 996 है इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या ज्ञात करेंगे, विचलन ज्ञात करेंगे। अब देखिए विचलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक सवाल हम लोग देख चुके हैं। यदि वह संख्या 2 अंक की है या 10 के करीब है तो हम आधार 10 लेते हैं, यदि वो 2 अंक की है और 100 के करीब है तो हम आधार 100 लेते हैं, यदि वह 3 अंक की है और 100 के करीब है तो 100 लेंगे, और यदि 3 अंक की है और वो 1000 के करीब है तो हम आधार 1000 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 996 है ये किसके करीब है, 1000 के करीब है, तो इस बार हमारा आधार क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो अब हम इसका विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या में से आधार वाली संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 996 में से आधार की संख्या 1000 है, इसे घटा देंगे तो देखिए ऋण वाली संख्या बड़ी है तो ऋण में उत्तर आएगा, 1000 में से 996 को घटा देंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से हमको विचलन 4 प्राप्त हो गया ऋण में। अब इसके बाद देखिए निखिलम विधि से जो हमको हल करना है उसके लिए सूत्र होता है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेते हैं। संख्या की घात 3 बराबर संख्या धन 2 गुणे विचलन अवलिख 3 गुणे विचलन की घात 2 अवलिख विचलन की घात 3। तो ये क्या हो गया हमारा सूत्र हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें मान रख देना है। तो देखिए संख्या क्या होगी जो हमको ये सवाल दिया है, तो सवाल हमको क्या दिया है, 996 दिया है। फिर इसके बाद धन 2 गुणे विचलन, विचलन हम कितना निकाल लिए हैं, ऋण 4, तो यहाँ पर विचलन में हम ऋण 4 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 3 गुणे विचलन की घात 2 है तो विचलन हम कितना निकाले हैं, ऋण 4 की घात 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए विचलन की घात 3, तो विचलन कितना है, ऋण में 4 है, तो ऋण 4 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 996 इसे लिख लेंगे। अब देखिए गुणा करते हैं, ऋण धन का गुणा ऋण 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर इसके बाद और आगे हल कर लेते हैं, यहाँ पर 3 है गुणे ऋण का गुणा 2 बार करेंगे तो धन आएगा, 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 चौको 16 हो गया।
फिर इसके बाद ऋण का गुणा तीन बार करेंगे तो ऋण आएगा। अब चार का गुणा तीन बार करेंगे तो चार चको 16, 16 चको 64 प्राप्त होगा। पर ध्यान रखना है आपको, इस विधि में ऋण चिन्ह आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। तो फिर कहाँ लगेगा ऋण चिन्ह? आपको यहाँ पर इस तरह से ऊपर लगाना है। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए 996 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 988 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद 16 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 48 प्राप्त होगा। और ये कितना है? ऋण में है तो ऋण में क्या लिख लेंगे? 64। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर हमारा सवाल था उसमें कितने अंक थे? 3 अंक थे। तो यहाँ पर 3-3 अंक होने चाहिए। यदि नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने से शून्य को ले लेंगे। अब इसमें एक समस्या और है कि जो हमारी यह संख्या है, यह संख्या किस में है? ऋण में है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब हम उत्तर लिखेंगे तो अभी हमारा उत्तर क्या आएगा? 988 048। फिर इसके बाद 0 6 4। अभी ये किस में रहेंगे? ऋण में रहेंगे। अब देखिए इसको हम और आगे हल कर लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो ये ऋणात्मक संख्या है इसको धन में बनाना होगा। अब ये किस तरह से बनेंगे, तो पहले हम सवाल को लिखते हैं 9 8 8 0 4 8। इन सभी को हम लिखेंगे 0 0। क्योंकि ये संख्या ऋण में थी तो हम इस तरह से ऋण में क्या लिख लेंगे? 64 लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, इस संख्या में से 64 को घटा देना है। तो देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 9 बचा, अब कोई संख्या नहीं घटनी है तो इसको 9 लिख लेंगे। क्योंकि ये एक हासिल दे चुका है तो यहाँ पे 7 बचेगा। यहाँ पे 4 है, 0 है, 8 है, 8 है, 9 है। तो इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 98 करोड़, 80 लाख, 47,936 हमको क्या प्राप्त हो गया? उत्तर प्राप्त हो गया। आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी सवालों के हल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आपको क्या काम करना है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहां पर टच करना है। फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है। नोटिफिकेशन में आपको ऑल के ऑप्शन पर टच करना है। वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके वीडियो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। साथ ही यदि आपको कक्षा 8 के एट ग्रेड के किसी भी विषय की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और हम डिस्क्रिप्शन पर भी सभी वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको यहां पर कक्षा 8 के एट ग्रेड की विषय गणित की सभी अध्याय की वीडियो उपलब्ध करा देंगे, तो यहां पर आप टच करके वीडियो देख सकते हैं। यहां पर हम आपको विज्ञान की वीडियो, यहां पर सामाजिक विज्ञान की वीडियो और यहां पर आपको हिंदी की वीडियो उपलब्ध करा देंगे, तो आप टच करके देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।